30 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर आज पोस्टर का विमोचन हुआ। बीमार होने के बाद 15 दिन विश्राम के बाद 30 जुलाई को श्री हरि बहन सुभद्रा व भाई बलराम के साथ भक्तों को नयन उत्सव के दर्शन देंगे। 1 जुलाई को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत बलकेश्वर महादेव मंदिर में रथ यात्रा प्रारंभ होकर कमला नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचेगी। यह जानकारी श्री जगन्नाथ मंदिर इस्कॉन आगरा के अध्यक्ष अरविंद स्वरूप दास श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के दौरान दी। भक्तों को नयन उत्सव एवं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। श्री कृष्णा, मैं अशु मित्तल, कोऑर्डिनेटर फूड फॉर लाइफ इस्कॉन आगरा। आज हम सब भक्त लोग यहाँ पर सभी को ये सूचित कर रहे हैं कि 30 तारीख को नयन उत्सव होएगा, जब स्नान यात्रा होती है। उसके बाद भगवान 15 दिन के लिए अनवासा लीला करते हैं। तो जितने आतुर हम हैं भगवान से मिलने के लिए, भगवान भी अपने भक्तों से मिलने के लिए उतने ही आतुर रहते हैं। उस दिन भगवान के जो श्रृंगार होता है वो एक अलग ही तरह का श्रृंगार होता है। इतना मनोहर रूप होता है कि हर कोई उसमें मुक्त मग्न हो जाता है। और वो 30 तारीख का है, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि 30 तारीख को जरूर से आप लोग सब नयन उत्सव के दर्शन करने आए। जगन्नाथ भगवान की जय। प्रतिवर्ष की बात, इस साल भी भगवान जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो कि आगरा में जगह जगह प्रवेश करेगी। जो लोग कभी दर्शन नहीं कर पाते हैं उनको भी भगवान दर्शन देंगे। इनका भगवान का उद्देश्य यही है, पाप करते करते आदमी थक जाता है, समय नहीं मिल पाता, वो लोग भी मेरे दर्शन कर पाए, तो उन लोगों को भी वो दर्शन देते हैं। तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी लोग, आगरा के सभी भक्तजन, इस रथ यात्रा में भाग लें और पुण्य के भागी बने। बुलंदशहर में भागयू टिकैत के तमाम कार्यकर्ता